लोग का समझ लेना सिस्टम क्या है। तुम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग बोल रहे हो नेशनलिज्म इन यूरोप, मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ टॉपिक बता देता हूँ, कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, हिस्ट्री के, वो हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका काफी कंटेंट कवर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में उससे सारी चीजें लगभग लगभग तय है कि उससे आएंगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई 10 बातें बोलूंगा तो 10 में से 5 बातें आना तय है, उसके बाहर पेपर बहुत कम चांसेस है कि उसके बाहर पेपर बनेगा। हिस्ट्री का जो मैं पोर्शन बोलूंगा वहां पे पहली चीज ये सुन लेना, पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप को अभी एक मिनट साइड में रख के पहला समझो नेशनलिज्म इन इंडिया। क्यों नेशनलिज्म इन इंडिया के पहले डाउट अपन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लें या फिर टॉपिक देख लेते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो नेशनलिज्म यूरोप को जब समझेंगे ना तो उसके साथ में अपन प्रिंट कल्चर भी देख लेंगे और ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लेंगे, तो पूरा जो है वो यूरोपियन कल्चर का ही टॉपिक है। इसलिए अब नेशनलिज्म यूरोप तो आप लोगों ने अच्छे लोग तीन चीजें याद रखिएगा, तीन चीजें क्या, कोई एक मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस है, या तो क्वेश्चन आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से या क्वेश्चन आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उसका कंटेंट ज्यादा है। कंटेंट कैसे ज्यादा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट कैसे हुआ, उसका बेस क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजल्ट क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद क्या कर दिया, क्यों कर दिया गया, या तो ये आएगा। या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दो तीन चीजें हैं, जैसे ये चार चीजें पढ़ लेना, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, और आप ये देखिए रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च और गांधी इरविन पैक्ट, इन चार में से कोई एक चीज पेपर में आनी आनी है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च और एक और लिख लो गांधी इरविन पैक्ट, इन पांच में से तीन नंबर या दो नंबर का एक क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा, पूरे चांसेस इसके बाहर पेपर नहीं बनने वाला। नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, घुमा के नहीं पूछते, और घुमा के पूछ भी लिया तो यही पूछते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म 20th सेंचुरी में क्यों राइज हुआ, तो उसके आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स की क्या थी, एक्सप्लोइटेशन पॉलिसी थी, ठीक है ना। इस चैप्टर की यही कहानी हो गई। एक तो आप लोग कुछ लीडर्स के नाम याद रखिएगा क्योंकि लीडर्स के नाम से ही पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में आते हैं अपन नेशनलिज्म इन यूरोप पे। नेशनलिज्म यूरोप को मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको तीन पोर्शन में डिवाइड करो। तीन पोर्शन कैसे है कि एक तो यूरोप का बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड क्या था, यूरोप में तीन टाइप के लोग थे, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स, ठीक है ना। और आपको मालूम है सबसे पहले पावर में कौन था, कंजर्वेटिव्स थे, सबसे पहले पावर में कौन, कंजर्वेटिव्स। फिर लिबरल्स में, लिबरल्स ने क्या किया, उनके खिलाफ बगावत करी या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, रिवॉल्यूशन किए, तो रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस कंट्री का उभर के आया, फ्रांस का। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, कहाँ से, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से। और फ्रांस का रिवॉल्यूशन याद रखना इन चार कंट्रीज में से एक पेपर में आएगा ही आएगा, या तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन कोड क्या थी पक्का, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा, अगर फ्रेंच नहीं आता है तो जर्मनी, इटली या फिर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या ब्रिटेन, इन चार में से एक कंट्री आने के पूरे पूरे चांसेस है। और एक नंबर और दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं ट्रीटीज के, ट्रीटीज कौन सी, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ट्रीटी ऑफ वियना और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, इन दोनों में से एक ट्रीटी आने के चांसेस है। और अगर ये ट्रीटीज भी ना आए तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कुछ पर्सनैलिटीज के नाम, वो पर्सनैलिटीज कौन, या तो ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट, ड्यूक मेटरनिक कौन था, ठीक है, जोसेफ मेज़िनी कौन था, जोसेफ मेज़िनी ने क्या किया, जोसेफ गैरिबाल्डी, काउंटी केवोर और इसी तरीके से विक्टर इमैनुअल और ऑटोमन बिस्मार्क, इन पांच छह लोगों में से एक का नाम पूछा जाएगा ही जाएगा कि ये कौन थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाहर इस चैप्टर में और क्या चीज आ सकती है, इसके बाहर इस चैप्टर में आ सकता है इंपीरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, और मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि बाल्कन कंट्रीज क्या होती है, बाल्कन कंट्रीज का इशू, बाल्कन कंट्रीज का इशू इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि पूरे रिवॉल्यूशन को अलग कर दो और इस रिवॉल्यूशन को अलग कर दो, ठीक है ना। तो बाल्कन कंट्रीज को पढ़ लेना, या तो क्वेश्चन चार नंबर में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन चार नंबर के लायक नहीं, ब्रिटेन दो नंबर के लायक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, या तो चार नंबर में इनसे क्वेश्चन बैठेगा, छोटे चैप्टर तो नहीं बड़े चैप्टर है लेकिन उनके क्वेश्चन जो है वो कम आएंगे, जैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भाई लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग मैं जो आपको बोलूँ बस वो डेफिनेशन याद कर लो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सुनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और सुनना इसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद कर लो, पेपर में इसके बाहर नहीं आएगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूछा जाएगा कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आया, अरे वहाँ जरूरत थी इंडस्ट्रीज की,
इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई थी, वहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड थी, समझा, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो अपने आप जब आपके ऊपर विपदा आएगी तो आप सोल्यूशन निकालोगे, यही चीज होती है। और नहीं आ रही आपके ऊपर, देखो एग्जाम आया तो आप पढ़ना शुरू हुए, एग्जाम नहीं आता कोई पढ़ना शुरू नहीं करता। तो जैसे ही चैलेंज आया ना यूरोप के सामने, तो इन्होंने उस क्या करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए। और सबसे पहले ब्रिटेन फ्रांस में आया, तो इकोनॉमी सबसे पहले ब्रिटेन फ्रांस की ग्रो करी, और इतनी ग्रो करी कि पूरी दुनिया पे उन लोग क्या करने चले गए, रॉ मटेरियल लेने चले गए। और रॉ मटेरियल लेने के साथ साथ वो क्या करने लगे, वहां पर रूल करने लगे। इसी को अपन क्या पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन में पढ़ते हैं। क्या में पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब पढ़ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन में दो तीन इन्वेंशन पढ़ लेना, कि स्टीम इंजन को किसने डेवलप किया, स्पिनिंग जेनी को किसने किया, इस तरीके से आप क्या करोगे, अच्छा थोड़ा सा एडवांस फॉर्म जो था स्पिनिंग जेनी का, सॉरी स्टीम इंजन का, उसको किसने डिस्कवर किया, ये पढ़ लेना। इसके बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं आएगा। अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पढ़ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, मैं वैसे वीडियो आज रात में ही डाल दूंगा, 10 बजे ही डाल दूंगा, ये पूरा पढ़ लेना, तुम्हारे नंबर कहीं नहीं जाने वाले। दूसरी चीज प्रिंट कल्चर। अच्छा ग्लोबलाइजेशन भी देख लो, ग्लोबलाइजेशन में एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, चाइना से लेके यूरोप तक सिल्क की ट्रेडिंग की जाती थी। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल देखा जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि कोई एक देश दूसरे देश के साथ क्या करे, व्यापार करे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ते तो व्यापार, हिस्ट्री में पढ़ते तो कल्चर एक्सचेंज, पॉलिटी में पढ़ते तो पॉलिटिकल एक्सचेंज या फॉरेन रिलेशंस। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो अपन ने बोला ट्रेडिंग करते थे, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स में भी ट्रेडिंग ही आएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ट्रेडिंग करना, किसी देश के साथ दोस्ती करना। अब जैसे आपका दोस्त मान लो फ्रांस में जाके रहे, तो ये किसका एग्जांपल है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है, वहां का कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि भैया ग्लोबलाइजेशन, आप सिल्क रूट पढ़ लो, सिल्क रूट के बाद में आपको पढ़ना है वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दो लोग थे जिन्होंने समुद्री रस्तों की खोज करी। अब समुद्री रस्ते की खोज कर रहे तो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, ग्लोबलाइजेशन का। और जैसे ही एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वो इंडिया में आ जाएंगे, इंडिया में वास्को डी गामा आया, फिर यहाँ पे पुर्तगालियों ने यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे आना शुरू हुई, और आखिरी में कौन पावरफुल यहाँ पर रहा, ब्रिटेन वाले पावरफुल रहे, तो वो इंडिया में क्या करने लग गए, रूल करने लगे। तो वो इंडिया में रूल कर रहे हैं, यहाँ का रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ ला के दे रहे हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट जरूर पढ़ना, पेपर में क्यों आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, पक्का आएगा ग्लोबलाइजेशन और उसके नुकसान और फायदे। प्रिंटिंग कल्चर बहुत सिंपल है। प्रिंटिंग कल्चर में दो चीजें पढ़ना, एक तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस पढ़ लेना, है ना, और एक पढ़ लेना आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन दोनों में चांसेस है किसी ना किसी का नहीं। और वो बुक्स पढ़ लेना, कौन सी बुक्स, कि जापानीज बुक कौन सी थी, डायमंड, ये एक एक नंबर में इनसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग का कवर है भाई, मैं कह रहा हूँ आप लोग बस हैवी मत लो चीजों को, क्योंकि किताब के जब आप वर्ड्स पढ़ते हो ना, मेन चीज यही है, हिस्ट्री के जब वर्ड्स पढ़ते हो बच्चों को वो टफ लगते हैं, कोई लोड नहीं है, ठीक है, सिंपल भाषा में लिखेंगे। ये तो हो गया पूरा हिस्ट्री का पोर्शन।